सूबे की मान सरकार के खिलाफ एक बार फिर तो विरोध उठना शुरू हो गया है, क्योंकि मान सरकार वालों जिस तरह के नाल कामकाज किया जा रहा है उस उत्ते सवाल उठने शुरू हो गए हैं। केजरीवाल सरकार बंदी सिंघां नूं लैके विवाद विच आई, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। सिख जथेबंदियों का कहना है कि मान सरकार वालों केजरीवाल की मिली भुगत के चलते बंदी सिंघां पैरोल तक बंद कर दी गई है। पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो पहला बंदी सिंघां नूं पैरोल दी जाती सी, वो भी मान सरकार वालों बंद कर दी गई। सिख जथेबंदियों नूं रोज प्रदर्शन करने पै रहे। जथेबंदियों ने कहा कि इस साजिश के तहत बंदी सिंघां की पैरोल बंद की गई, इस 100 बंदियों नूं छड्डण की गल की गई, वो भी ज्यादा हिंदू चेहरे ने, सब वो वोट बैंक की राजनीति की जा रही जो कि जथेबंदी वालों बर्दाश्त नहीं की जाए, जिसके रोस वजो पटियाला दे विच प्रदर्शन किया गया। नाल ही सरकार ने चेतावनी दी कि बंदी सिंघां की रिहाई लई दोहरे मापदंड ना वरते जा, नहीं तो मान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पै सकता। पटियाला तो विकास कुमार की रिपोर्ट। सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने उन्हां दी रिहाई तां की करनी, जिहड़े सिंह 2013 तो लगातार पैरोल ते आ रहे सी, छुट्टी ते आ रहे सी, इहनां बंदिआं ने इह सरकार ने उन्हां दी छुट्टी भी बंद करती है बिना किसे कारण तो। इस करके असीं अज अकाली उत्ते यूनाइटेड सिख पार्टी ते होर समुची सिख जथेबंदियां वल्लों इत्थे प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि जिहड़े साडे बंदी सिंह ने उन्हां दी जिहड़ी पैरोल है छुट्टी है वह जल्द तो जल्द बहाल की जाए। दूजी गल ये कि मान साहब का बयान आया भगवंत मान जी का कि असी 100 बंदा 15 अगस्त के उत्ते रिहा कर रहे हैं, चंगी गल है तुसी करो, असी विरोध नहीं करते, पर सवाल इस गल का कि साडा बंदी सिंह एक भी क्यों नहीं रिहा कर रहे, तुसी साडे नाल किस गल का वितकरा हैगा, ये साडे नाल इस मुल्क के अंदर 1947 तो लैके अज तक बार बार धक्के हो रहे ने, फिर कहिंदे इह तिरंगा लाओ, असी किहड़े मूंह नाल तिरंगा ला लईए। इस करके असी इहनां दा विरोध कर रहे हैं। एक होर नाल कारण है कि साडे सिख बच्चों नूं रोज़ समस्या आ रही है, स्कूलों 'च साडे बच्चों के ककार लुहाए जा रहे ने, कड़ा पाउण ते पाबंदी लाई जा रही है, हिंदी बोलण लई मजबूर किया जा रहा, ये सारी मंगां नूं लैके असी अज इत्थे प्रदर्शन कर रहे हैं ते धरना ला रहे हैं। देखो जी, रिहाई की मैं पहला फिर रिपीट कर दिया, बाद की गल है, पहला तो जो छुट्टी बंदे आते छुट्टी बंद करती है, इन्होंने रिहाई देना तो बाद की गल है। इन्हों का जोड़ा लिस्ट के पहले नंबर पर नाम है, क्योंकि भाई लखविंदर सिंह जी, शमशेर सिंह जी ते गुरमीत सिंह जी, ये वह कौमी योधे ने जिहड़े तकरीबन 28 साल तो जेल च बंद ने, 28 साल तो मैनू भारत सरकार दसे कि उन्हां दा एक भी कैदी इन्ने टाइम तो जेल च बंद है, साडे सिखां नाल क्यों वितकरा हो रहा। प्रोफेसर दविंदरपाल भुल्लर ने वह 32 साल तो बंद ने, सो इन्नी सजावां, सख्त सजावां ये सिखां नूं क्यों इस मुल्क च मिल रही ने, सानू आम आदमी पार्टी दसे, केंद्र सरकार दसे। देखो जी, जदों 10-15 साल उन्होंने पंजाब च सरकार रही है उदों क्यों नहीं वह वफद लैके गए, उन्होंने उदों क्यों नहीं मंगा कीतियां, हुण सिर्फ सुखबीर बादल अकाली दल नू ऑक्सीजन देण दे लई उहनू मजबूत करन दे लई ये ड्रामेबाजी कर रहा है। ये उही सुखबीर बादल है जिन्हां ने बंदी सिंघां दी पैरोल। मेरा नाम जीवन कौर है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ,
ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ